चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, पूरी दुनिया में भारत में उनका इतना जोरदार स्वागत किया गया, उत्साह बढ़ाया गया, वो देखकर कुछ जोश बढ़ा है आपका? 100% आपकी बात बिल्कुल सही है कि नीरज चोपड़ा जी से मैं पर्सनली मिला हूँ और वो बहुत डाउन टू अर्थ है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं उनकी डाइट में तो अंतर होता है, तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं, कैसे अपनी जबान पर लगाम लगाते हैं बताइए। पहले तो जब मैंने 2016 में मुझे फर्स्ट टाइम सर मिले थे मॉल के बाद, एंड जब मैंने बैडमिंटन में अपना सफ़र शुरू नहीं किया था उससे पहले मैं एक जंक फूड लवर थी। देखिए मैं कहूँगा कि 54 खिलाड़ी जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है, पिछली बार भी हमारे गोल्ड मेडल भी रहे ओलंपिक में एथलेटिक्स में, इस बार एथलेटिक्स में 20 लोग जा रहे हैं और जिस तरह से तैयारी हुई है, जिस तरह से मनोबल उनका प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, जिस तरह से उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके और उनको जो सुविधाएं ट्रेनिंग के समय चाहिए होती है, काफ़ी लंबे समय से लगातार ट्रेनिंग है और जिस तरह से मोटिवेटेड हैं हमारे खिलाड़ी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो विश्व पटल पर ओलंपिक में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तू खुद की खोज में निकल, तो किसमें आदर्श है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश।
सभी जो खिलाड़ी हैं प्रतिभाग करने पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या दिल में इस समय चल रहा है, क्या कुछ सोच रहे हैं, मेडल लाने की कैसी तैयारी है, क्या जोश है, क्या जुनून है, ये तमाम चीज़ें पूछते हैं। सबसे पहले तो कोच से बात करते हैं और ये जानते हैं कि कितनी तैयारी है इस बार के ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक के लिए। मैं गौरव खन्ना हूँ, हेड नेशनल कोच इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम, और तैयारी के नाम पे ऑफकोर्स वी आर वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग हार्ड सिंस लास्ट अ लॉन्ग पीरियड, और ओलंपिक एक ऐसा इवेंट है जिसकी तैयारी के लिए आज से नहीं 4 साल पहले से आदमी लगता है, और पिछले 4 साल में जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हम लोगों की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी उत्कृष्ट रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस टेकिंग मॉरल बूस्टिंग फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस एंड गेटिंग कॉन्फिडेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग व्हाट वी हैव डन, हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं कि हम लोग एक अच्छी पदक तालिका लेकर भारत में प्रवेश करेंगे। इस बार कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो पैरालंपिक में पहली बार भाग ले रही हैं, उसमें से आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं सर? नहीं, कैटेगरीज नहीं, पैरा बैडमिंटन इन इट्सेल्फ इज़ मेकिंग अ डेब्यू इन टोक्यो पैरालंपिक्स, पहली बार शामिल हुआ है टोक्यो में पैरालंपिक एज अ पैरालंपिक स्पोर्ट्स, तो जितनी भी कैटेगरीज हैं हमारे यहाँ सब की सब पहली बार है, और हमारे कुल 7 खिलाड़ी भागीदारी कर रहे हैं हमारे इस समय। तो कुछ खिलाड़ी भी हैं, उनसे भी ज़रा बातचीत करते हैं, देखिए मनोरंजन भी चल रहा है और तैयारी भी चल रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज सरकार है। मनोज सरकार, मुझे ये बताइए कि इस बार के पैरालंपिक में आप भाग ले रहे हैं, क्या मन में क्या चल रहा है? मन में यही है कि जो हमारे गुरुजन हैं, चाहे मेरे कोच हो, चाहे मेरे पेरेंट्स जो ऊपर से देख रहे हैं, मेरे सभी जो साथी हैं, दीदी लोग हैं, बहनें हैं, उन सभी का आशीर्वाद रहेगा, और आशीर्वाद शुरू से है, और गुरु जैसे कि हमारे कोच साहब का बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोगों से, सिर्फ मुझसे नहीं पूरे इंडियन कंटिजेंट से है, और मुझे यही है कि उनका जो विश्वास है वो विश्वास हम तोड़ने नहीं देंगे। इस बार गोल्ड आएगा, पूरी कोशिश रहेगी कि 100% हम अपना देंगे, और रिजल्ट आपके सामने बाद में होगा। अच्छा, इस बार जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, पूरे दुनिया में भारत में उनका इतना ज़ोरदार स्वागत किया गया, उत्साह बढ़ाया गया, वो देखकर कुछ जोश बढ़ा है आपका? 100% आपकी बात बिल्कुल सही है कि नीरज चोपड़ा जी से मैं पर्सनली मिला हूँ, और वो बहुत डाउन टू अर्थ है, और उनसे जब उन्होंने रिजल्ट लाए और लाने के बाद आपने देखा होगा कि पूरे देश ने मतलब एक माहौल ऐसा बन गया देश में जैसे लाइक कोई त्यौहार बन रहा हो, तो हम उनसे ये मिला कि हमें भी ये आशा बढ़ी है कि हम भी जब मेडल लाए तो पूरा देश हमें भी इस तरह से स्वागत करे। चलिए, उम्मीद है कि आप उम्मीद क्या, मुझे तो यकीन है कि आप मेडल लेके आएंगे, और आपका स्वागत, आप भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। मैम, मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पलक कोहली है। पलक जी, आप किस खेल में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं? मैं पैरा बैडमिंटन में खेलने वाली हूँ, एंड इस टाइम पैरा बैडमिंटन पहली बार इंक्लूड हुआ है पैरालंपिक्स टोक्यो 2021 में। तो एक्साइटमेंट कैसी है? एक्साइटमेंट डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल ही है, बिकॉज ओलंपिक्स जैसे कि हर एथलीट का ड्रीम होता है क्वालिफाई करना, एंड मैंने क्वालिफाई किया है एट सच यंग एज। आई थिंक बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है, एंड बहुत सारा हार्डवर्क है गौरव सर का भी एंड मेरी फैमिली का भी, एंड आई थिंक इसके इनके बिना ये सफ़र अधूरा था। अच्छा, अभी आप जब बात कर रही थी यहाँ पे लोगों से, तो आपने बोला कि बहुत सारे लोगों ने आपकी डाइट का ख्याल रखा, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं उनकी डाइट में तो अंतर होता है, तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं, कैसे अपनी ज़बान पे लगाम लगाती हैं? बताइए। पहले तो जब मैंने 2016 में मुझे फर्स्ट टाइम सर मिले थे मॉल के बाहर, एंड जब मैंने बैडमिंटन में अपना सफ़र शुरू नहीं किया था, उससे पहले मैं एक जंक फूड लवर थी। तो ये जर्नी इन इटसेल्फ इज़ अ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन मेरे खुद की डाइट से लेकर एक एक चीज़ तक। सो डाइट पे डेफिनेटली बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बीइंग एन एथलीट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी, एंड सो हम लोगों के डाइट्स बने हुए हैं। सर ने पूरा सिस्टमेटिकली हर एथलीट की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके डाइट्स बनवा रखे हैं विद कंसल्टेशन टू दी डॉक्टर्स। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक एथलीट की लाइफ में, बिकॉज अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, आप ऑलरेडी अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हो, एंड आपके रिजल्ट्स हैं वो और भी बेस्ट आएंगे। सो आई थिंक ये एक बहुत ग्रेट रोल है, एंड डेफिनेटली ओलंपिक्स के सामने जंक फूड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है छोड़ना। मैंने सुना है कि PM जी से आपकी बात हुई। जी हाँ जी। कैसे, उन्होंने क्या बात की, क्या कहा? ये बहुत ही
ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हमारे को, सभी पैरा एथलीट्स को, एंड जिस वे में उन्होंने एबल बॉडी एथलीट्स से कन्वर्सेशन किया था उसी सेम वे में उन्होंने हमसे इंटरेक्ट करा, जो कि इन इटसेल्फ हमारे लिए बहुत ही मोरल बूस्टिंग था. और हमारे को बहुत खुशी है कि जैसे वो पैरा स्पोर्ट्स को देख रहे हैं एंड जैसे वो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है वो एक नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है. एंड आई थिंक गेटिंग सो मच सपोर्ट, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग को ये प्लेटफॉर्म मिला है एंड हम लोग, हमारा कंट्री हमारे को सपोर्ट कर रहा है. बिल्कुल, भारत जो है ना वो एक देश नहीं है बल्कि ये एक भावनाओं का देश है. यहाँ भावनात्मक रूप में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि सिर्फ मेडल के लिए खेलना ज़रूरी नहीं है, बस अपने आप को साबित करने के लिए खेलना है, अपने देश को साबित करने के लिए खेलना है. एक और खिलाड़ी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कृष्णा नागर है. किस खेल में आप भाग ले रहे हैं? सर मैं पैरा बैडमिंटन में भाग ले रहा हूँ और मेरी कैटेगरी SS6 है. अच्छा जी, तो क्या एक्साइटमेंट चल रही है आपके दिल में? क्या कुछ चल रहा है कि कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, कुछ चल रहा है दिमाग में? मेरे दिमाग में एक्साइटमेंट तो बहुत है. ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स बहुत लोगों के लिए ड्रीम होता है कि पैरालंपिक्स खेलें हम लोग, जिससे कि हम इसके लिए हम 4 साल मेहनत भी करते हैं और क्वालिफिकेशन जो भी राउंड होते हैं वो सब क्लियर करने पड़ते हैं, तब जाके ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में सिलेक्शन होता है. सो मेरे दिमाग में भी यही है कि मैंने जो पैरा एशियन गेम्स में जो मैं सेमीफाइनल हारा था सिंगल्स का और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सेमीफाइनल हारा था, उसको मैं थोड़ा कंट्रोल और उसको आज से आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसको गोल्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. तो मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं मेरे दोनों सेमीज का जो बैरियर है वो ख़त्म करके मैं इसको गोल्ड में थोड़ा तब्दील करूँ. अच्छा, इस बार कोरोना की जो ये महामारी रही, इससे कुछ तैयारी में प्रभाव पड़ा क्या? हाँ, इससे डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ा था, क्योंकि कोरोना के बीच में लॉकडाउन लग गया था. कोरोना की वजह से तो हम बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे ना, कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग हो पा रहा था, लेकिन आज जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया तो फिर उसके हिसाब से हमने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया था. जब उस टाइम पर मैं मेरे घर पर ही था और फिर थोड़ा जूम मीटिंग हो जाता था सर्वर के साथ, तो थोड़ा सबको डिस्कशन कैसे क्या करना है, तो वो सब होता था, तो उस वक्त अच्छा बहुत लगता था. तो फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट करा तो से बहुत बेस्ट लगा, फिर धीरे धीरे रिदम में आने लगे. फिर उसके बाद लॉकडाउन खुल ही गया था बाद में 2020 के एंड में, तो हमने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी दोबारा. हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने अपना हौसला नहीं खोया, स्थिति कैसी भी रही तैयारी चलती रही, और आज वो वक्त आ चुका है कि भारत अपना दम दिखाने टोक्यो ओलंपिक में पहुँच रहा है, पैरालंपिक में पहुँच रहा है. देखना ये होगा कि इस बार भारत की झोली में कितने मेडल आ पाते हैं. क्या नाम है मैम आप? मैं मिसेस संध्या भारती, ताइक्वांडो कोच फ्रॉम NCOE लखनऊ, साई लखनऊ. तो इस बार पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स मन में चल रही है, कैसे तैयारी है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि पैरा ताइक्वांडो पहली बार क्वालिफाई कर रहा है, पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है, और सबसे पहली जो लड़की है अरुणा तनवर, वो हरियाणा भिवानी से है, जिसने सिर्फ उसी ने अभी तक क्वालिफाई किया, वो पहली इंडियन है जो हिस्ट्री क्रिएट करेगी. हिस्ट्री क्रिएट यानी कि गोल्ड आने वाला है. एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे जो आम जैसे ओलंपिक जो होता है उसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने में, या जो पैरालंपिक के प्लेयर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने में कुछ मुश्किलें जो आती हैं, क्या अंतर देखते हैं आप उसमें? देखिए, मैं साई की कोच हूँ और अभी तक जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है जनरल बॉडी के साथ रहा है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पैरा के साथ भी काम करने का मौका मिला है. लास्ट मंथ यहाँ कैम्प था सीनियर एशियन के लिए और एशियन क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसमें मुझे अरुणा के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें मुझे लगा कि हाँ, उनमें हम लोगों से ज़्यादा एनर्जी होती है काम करने के लिए, और वो बहुत हार्ड वर्किंग है. डेफिनेटली वी विल कम विथ मेडल. अच्छा, चूंकि आप एक कोच हैं तो एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा होते हैं, देखा जाता है कि अगर उनके शरीर में किसी तरह की दिव्यांगता हुई तो अपने आप को वो कमज़ोर असहाय समझते हैं और इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? देखिए, पार्टिसिपेट तो हर बंदा करना चाहता है, और बस एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जो साई हर तरह से कोशिश कर रही है, और ताइक्वांडो में खासकर श्री संजय सारस्वत सर ने ये प्रयास किया है, और ताइक्वांडो पहली बार जो कैंप कंडक्ट हुआ था वो लखनऊ रीजनल सेंटर में हुआ है. ये साई ने जो मौका दिया खिलाड़ियों को, और पैरा के खिलाड़ी ये चाह रहे हैं अब जब भी कोई कैंप हो तो वो साई के अंडर में हो, ताकि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी जानकारी वो प्रॉपर मिले, प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिले जो उन्हें नहीं मिल पाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस एंड कोचिंग ऑल्सो. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच. तो इस वक्त हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय सारस्वत जी, उनसे बात करते हैं कि इस बार टोक्यो पैरालंपिक में क्या कुछ खास होने जा रहा है, उनसे जानते हैं कितने खिलाड़ी यहां से जा रहे हैं यानी कि यूपी से जा रहे हैं, पूरी डिटेल लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास इस बार टोक्यो में और कितना जोश और जुनून के साथ पूरी टीम यहां से निकल रही है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में और मुझे ये बताइए कि टोक्यो पैरालंपिक में इस बार क्या खास होने वाला है। देखिए, मैं कहूँगा कि 54 खिलाड़ी जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमने पहले भी देखा है कि पैरालंपिक्स में भारत का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा है। पिछली बार भी हमारे गोल्ड मेडल भी रहे ओलंपिक में एथलेटिक्स में, इस बार एथलेटिक्स में 20 लोग जा रहे हैं और विभिन्न विधाओं में। मैं कहूँगा कई खेल ऐसे हैं जिसमें पहली बार टीम जा रही है, जिसमें से पैरा बैडमिंटन भी एक है, टैकोंडो भी एक है। और जिस तरह से तैयारी हुई है, जिस तरह से मनोबल उनका प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, जिस तरह से उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करके और उनको जो सुविधाएँ ट्रेनिंग के समय चाहिए होती हैं, काफ़ी लंबे समय से लगातार ट्रेनिंग है, और जिस तरह से मोटिवेटेड हैं हमारे खिलाड़ी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो विश्व पटल पर ओलंपिक में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और भारत को एक बहुत, मैं कहूँगा, सम्मानीय स्थल पर लेकर आएंगे। पिछली बार जैसा कि हम जानते हैं कि 4 पदक हम सबको मिले थे, इस बार जो ओलंपिक हुआ वो भी अच्छा खासा रहा, उसमें भी सफलता मिली, 1 गोल्ड मेडल मिला। लेकिन आपको सर लगता है कि जैसे जो अमेरिका है, चाइना है, वो सब ऊपर से तीसरे रैंक के अंदर रहते हैं, भारत की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इस पर आपको क्या लगता है कि किस तरह से विशेष ध्यान देना चाहिए, कैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा खेल को सिर्फ मेडल के हिसाब से देखना एक सही तरीका नहीं है। हमारा देश विकासशील देश है और उसमें मैं ये कहूँगा कि अभी तक खेलों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, बट प्रधानमंत्री जी द्वारा बार बार खेलों के ऊपर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को जो भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं खेलने के लिए, प्ले फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और जो उनको हाईएस्ट लेवल पर ट्रेनिंग करने के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो अभी तक अवेलेबल नहीं था। और मैं ये कहूँगा कि जो भी प्रयत्न होते रहे उसमें सिस्टम प्रोड्यूस की जगह इंडिविजुअल जो एफर्ट्स थे वो ज़्यादा थे, बट अब जो पिछले कुछ सालों में लगातार जो प्रवर्तन हो रहा है उसमें हम अगर देखें तो सरकार जो है एजुकेशन में स्पोर्ट्स को मेन भागीदारी बना रही है, उसमें मार्क्स देना चाहती है जिससे जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में समय लगाते हैं उनको उसका पूरा लाभ मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार ब्लॉक लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर गांट दी जा रही है और वहाँ पे मूलभूत जो संरचनाएँ हैं वो इंटरनेशनल लेवल की, चाहे वो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक हो, चाहे हॉकी ट्रैक हो, या मैं कहूँगा कि जो इंडोर हॉल हैं उस तरह की चीज़ें हैं वो देने की बात हो, तो उन चीज़ों पे लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपना काम कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ना केवल टेक्निकल हेल्प, फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल गाइडेंस उन चीज़ों को मुहैया करा रही, वो कंसल्टेंसी की तरह सभी को इस बात के लिए भी मैं ये कहूँगा कि प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो मेन कोचिंग वो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो, यानी कोचेज का अपग्रेडेशन हो, उनकी नॉलेज अपग्रेडेशन हो, स्पोर्ट्स साइंस का जो एक उनको सपोर्ट मिलना चाहिए उसके लिए जो आधुनिक उपकरण चाहिए और जो स्पोर्ट्स साइंस के एक्सपर्ट हैं उनको उसी हिसाब से तैयार किया जा रहा है। तो अब जो एक होलिस्टिक अप्रोच है स्पोर्ट्स को बढ़ाने की, तो उससे तो मेडल में इजाफा होगा ही, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी उस एज में हैं उनके लिए मिल रहा है। समाज में परिवर्तन लाने के लिए जिस तरह की बात हो रही है, स्पोर्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है, ग्रास रूट लेवल पर बच्चों को स्कूल से ही खेलों में प्रोत्साहित किया जा रहा है, लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है कि खेल खेलना कोई दोयम दर्जे का काम नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, राष्ट्रीय निर्माण में और राष्ट्रीय स्वास्थ्य में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो एक फिट नेशन, मैं कहूँगा कि अगर हम उसको प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे ऊपर स्वास्थ्य के खर्चे कम होंगे और हम लोग एक बेहतर राष्ट्र की तरह ज़्यादा उत्पादक भी हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए जिससे फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम आ रहे हैं, यानी एक ग्रास रूट लेवल से बच्चे को बहुत स्टैंडर्ड के खेलों का अनुभव होने लगता है कि अच्छा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो हम किस तरह का प्रदर्शन हमें माहौल मिलेगा। दूसरा एक मिथ कि हम लोग बाहर वाले लोगों से कमज़ोर हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगा है। तो अभी तक जो एक मानसिकता थी कि खिलाड़ी जाएगा और पार्टिसिपेट करके आ जाएगा, वो भी टूट रही है। अब हम लोग खाली खेलने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जीतने की भावना से और जीतने के लिए जाते हैं, और उसका असर जो अभी आप लोगों ने देखा है पिछले ओलंपिक खेलों में, अभी जो मेन ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें हुआ है, अभी मुझे लगता है यही प्रदर्शन उतना ही अच्छा प्रदर्शन है, और बल्कि पिछले जो 4 मेडल आए थे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेन ओलंपिक टीम थी उससे ज़्यादा मेडल हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पैरालंपिक खेल में भी आएंगे,
और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस पैरालंपिक की हम अगर बात करें तो समाज का एक तबका जिसको हम दिव्यांग कहते हैं और वो अपनी फिज़िकल इनकैपेसिटीज़ पे विजय पाते हुए सोशल माहौल से जिस तरह के उससे वो बाहर आते हैं तो वो एक बहुत बड़ा उदाहरण होंगे बाकी सोसाइटी के लिए कि सक्षम लोग भी उससे बेहतर कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रदर्शन होगा वो समाज में एक जो मैं ये कहूँगा कि एक तरह का रिवॉल्यूशन लाने का बात जब मैं कहें कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल की जो नीति है उसके लिए बात करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स के प्रदर्शन में दोनों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि जैसे जो नॉर्मल ओलंपिक है उसकी तुलना में जो पैरालंपिक है उसमें कहीं ना कहीं लोगों का आकर्षण या रुचि कम होती है, लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं, तो इस पर क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि पैरालंपिक ओलंपिक से इतना अभी कहा जाए तो लोगों से दूर है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पैरालंपिक्स भी बाद में शुरू किए गए जब ये देखा गया कि समाज का या वर्ल्ड में ओवर जो लोग दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है और वो अपनी शारीरिक विषमताओं के बावजूद कई बार ऐसा लगता है कि सक्षम लोगों के बराबर या उनसे बेहतर भी प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो इस बात पे होता क्या है कि हम लोग जो चीज़ जिसमें ज़्यादा मैं कहूँगा ग्लैमर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये उम्मीद है कि जो ओलंपिक मूवमेंट है और उसमें जिस तरह से इस दिव्यांग लोगों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें बहुत सारी ऐसी मैं कहूँगा कि स्टोरीज़ आती हैं निकल निकल के जिसमें आपको लगता है कि जो आदमी उस लेवल पे या खिलाड़ी उस लेवल पे पहुँचा है उसने कितने बड़े मतलब मैं कहूँगा कि चैलेंजेस को पार किया है। तो ये जो स्टोरीज़ हैं वो डेफिनेटली ना केवल दिव्यांगों के लिए बल्कि सक्षम जो लोग हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं दिखाई देते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा रोल मॉडल साबित होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो खेल है इनका जो व्यूअरशिप है मैं कहूँगा वो बढ़ेगा। और होता क्या है कि जब हम अपने आप को सफलता से जोड़ने लगते हैं तब फिर हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अब हम जब हमारे खिलाड़ी सफल हो रहे हैं और इस बात का विश्व ने मतलब मैं ये कहूँगा कि पिछले साल जो हमारा पिछले रियो ओलंपिक्स में जो प्रदर्शन हुआ है और इस बार में डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि हाँ पैरालंपिक्स में हमारी टीम गई है और वो प्रदर्शन कर रही है तो हम सभी लोग उस पर पूरा ध्यान देंगे। सर, आपके हिसाब से जो ओलंपिक है और जो पैरालंपिक है दोनों के बीच में कितना अंतर है, जो खिलाड़ी होते हैं उनका संघर्ष कितना ज़्यादा होता है, कैसे एक पूरी टीम तैयार की जाती है, कैसे उनका हम कहें कि उनको उस लायक बनाया जाता है कि वहाँ पे जाके अच्छा प्रदर्शन भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें, तो ओलंपिक से रियो जो पैरालंपिक है वो कितना अंतर आप उसमें देखते हैं? देखिए, अंतर कुछ नहीं है, दोनों में एक मैं ये कहूँगा कॉम्पिटिशन की भावना होती है, चाहे वो नॉर्मल खिलाड़ी हो चाहे वो पैरालंपिक खिलाड़ी हो, दोनों को अपनी अपनी विषमताओं और चैलेंजेस के साथ ग्रो करना पड़ता है। जो मैं कहूँगा दिव्यांग लोग हैं उनके साथ डबल चैलेंज ये होता है कि वो ना केवल मतलब उनको सोशल एक्सेप्टेंस कम होती है, हम बचपन से शायद बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, पेरेंट्स भी उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, तो उनको दो तरह की चीज़ों का फेस करना पड़ता है, एक तो सोशल चैलेंजेस कि उनको अपने आप को काबिल सिद्ध करना होता है और दूसरा उनको एक आवश्यकता पड़ती है शुरू में काफ़ी दिनों तक कि कोई उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड तक ले जाए, लगातार उनको स्पोर्ट्स में बने रहने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मैं कहूँगा कि परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ अगर हम देखते हैं तो दोनों में फ़र्क सिर्फ यही है, दोनों में उसी तरह की कॉम्पिटिटिव एज चाहिए होती है और व्यक्ति का जो अपना विल पावर है उसी से मार्क्स दिखाई देता है। हम लोग जो नॉर्मल ओलंपिक्स है उसमें भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखते हैं कि बहुत गरीब परिवार के लोग बिना किसी संसाधन के भी ऊंचाइयों तक पहुँचे, जैसे इस बार भी ओलंपिक हमने देखा कि बहुत सारे बिल्कुल मैं कहूँगा बहुत अम्बल बैकग्राउंड से विलेजेस से लोग गए हैं ओलंपिक में गए और प्रदर्शन किया है और वो सिर्फ उनकी जो विल पावर है और जो उनका मैं ये कहूँगा कि एक अंदर से एक झील है उसकी वजह से इस लेवल तक पहुँच पा रहे हैं। ये यही चीज़ें हैं जो किसी आदमी को विशेष बनाती हैं, साधारण प्रयास से साधारण काम हो सकते हैं, असाधारण काम करने के लिए असाधारण प्रयास करने पड़ते हैं और मैं इन लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ जो लगातार सोशल फाइनेंशियल और जो उनकी शारीरिक मैं कहूँगा क्षमताएँ हैं उनको चैलेंज करते हुए उस लेवल तक पहुँचे हैं। अच्छा सर, अक्सर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये प्रचलन या यहाँ की मान्यता रही है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज के समय में आपको क्या लगता है कि ये जो कहावत है ये टूटती चली जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये बात जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने बात बहुत क्लियर मतलब क्लियर उसमें कहा, ये बात हम लोग सोचते रहते थे, बात भी होती थी कि स्पोर्ट्स को हमें एक रेस्पेक्टेबल दर्जा देना चाहिए, बट उसको कोई बहुत स्पष्ट ढंग से आगे नहीं ला रहा था।
बट जब पहला खेलो इंडिया गेम्स हुआ तब मेरे ख्याल से यही स्लोगन था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब वाला बात जो हम कह रहे हैं, ये बाकायदा उभर के आई। खेलोगे तो खेलोगे, पीएम साहब ने खुद उस बात में मैं कहूँगा कि पूरा उस बात पे ध्यान दिया है, और इसीलिए खेलो इंडिया गेम्स, फिट इंडिया स्कीम, यानी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए। देखिए, आउट क्वालिटी विल कम आउट ऑफ क्वान्टिटी ओनली, तो जितने ज़्यादा लोग खेलेंगे उतने ज़्यादा लोगों में से अपने आप क्वान्टिटी में से क्वालिटी निकलना शुरू हो जाएगी। तो इस बात पर ध्यान दिया गया है और नीतिगत बदलाव लाए गए हैं। नीतिगत बदलाव से साफ लगता है कि हम लोग खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हर ग्रामीण स्तर पर जो स्कूल हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पर अर्धसंरचना हो, चाहे उनको एक मोटिवेशन देने की ज़रूरत हो, समाज में एक उचित स्थान दिलाने की बात हो, तो इन सभी चीज़ों को अगर देखते हैं तो अब जो बदलाव आ रहे हैं समाज में और खेलों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये उन क्षेत्रों के लिए भी बहुत रेलिवेंट है जहाँ पर कि यूथ जो है उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है और गलत तरह की गतिविधियों में लग जा रहा है। तो वो अगर अपने आप को खेलों में और अपने आप की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है उनको बढ़ाने में लगाएगा तो देश के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। सर, भारत को गाँव का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर जो यूथ है ज़्यादातर गाँव में रहते हैं, उनको ये सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं, कुछ लोग इससे वंचित हो जाते हैं, जबकि सक्षम वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, अगर वो चाहें तो देश का नाम रोशन कर सकते हैं, फिर भी कुछ मजबूरियां या उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो आपका सरकार से आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से और भी खेल को प्रोत्साहित किया जाए और ग्रामीण क्षेत्र के जो युवक हैं युवतियाँ हैं उनको भी शामिल किया जाए इसमें? मैं देखिए दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात ये है कि हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखना ये गलत है, और किसी भी विकसित देश में सरकार जो है खेलों को इस तरह से प्रोत्साहन नहीं देती। वो एजुकेशन का पार्ट है और मेनली स्कूल से और एजुकेशन से, यूनिवर्सिटी सिस्टम से ही लोग बाहर आ रहे होते हैं। जितना बड़ा देश की हम बात कर रहे हैं, 135 करोड़, मेरे ख्याल से कई महाद्वीप भी अगर हम मिला लेते हैं, कई बार पूरा एक महाद्वीप के सारे देश मिला लें तब भी शायद उतनी पॉपुलेशन नहीं होती है। तो ये चैलेंजेस समझने की ज़रूरत है। कोई भी सरकार मैं ये कहूँगा कि कॉन्शसनेस बढ़ा सकती, चेतना बढ़ा सकती, जो कि काम अभी हो रहा है कि हम आपकी चेतना में डाल रहे हैं कि भाई खेल अच्छी चीज़ है, इसको आपको खेलना चाहिए, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। आप उतना पैसा इलाज में ना लगा के अपने स्वास्थ्य पे लगाएं, फिट रहें, ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। और ये एक दूसरी सोच में ये परिवर्तन लाया जा रहा है कि जो खेल हैं उससे जो लोग समझते हैं कि दिमागी काम करने वाले लोगों को शारीरिक काम करेंगे तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा, ये गलत तरह की भ्रांति है। और बार बार बाहर भी यहाँ भी इस बात को बार बार कहा जाने लगा है कि शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो बढ़ाने से आपकी दिमागी क्षमताएं भी बढ़ती हैं। तो इस तरह की जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने स्तर से जो भी प्रयास कर रहे हैं और उसमें से जब भी उसमें से कोई टैलेंट होता है तो ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएँ शुरू हो रही हैं, जिला स्तर पर हो रही हैं, उस स्तर से जब एक पर्टिकुलर स्तर पर आ जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट, मैं ये कहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है स्टेट सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सलेंस सेंटर के लिए, एक्सलेंस के लिए काम करती है या पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती है। जो बड़े पॉलिसीगत डिसीजन है, स्पोर्ट्स और एजुकेशन को ज्वाइन करना है, उस तरह की चीज़ें, उस पर ध्यान दे रही है। बाकी जो है मुझे लगता है सभी जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम्स हैं और उनका लाभ सभी जो उस प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको लेना चाहिए। कुछ प्रदेश ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा केरला में अच्छा काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लगा काफ़ी एक साथ प्रोत्साहन दिया जाने की बात हुई है। तो ये कहना है कि अगर सारी सुविधाएं होंगी तभी खिलाड़ी आगे बढ़ पा रहा होगा, वो उतना ज़रूरी नहीं है। जितना कि ये ज़रूरी है कि जो खेल सकते हैं, खेलना चाहते हैं, वो खेलें, और खेलने के बाद अपने स्तर से जब उनमें चुनाव होगा, मतलब हर ज़िले में प्रतियोगिता होती है सभी खेलों की, उस प्रतियोगिता में भाग लें। हम कोशिश करेंगे, हम आज खेल शुरू करना चाहते हैं लेकिन सीधा सेंटर ऑफ एक्सलेंस में चले जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही सभी लोगों को एक साथ इतनी सुविधाएं दे पाना पॉसिबल होगा। अगर आप ध्यान दें, अभी जो हुआ है वो यही हुआ कि जो लोग नेशनल स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम लोगों ने एसेस किया, और उनमें से जिनकी क्षमताएँ थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की, उनको टॉप्स का समर्थन मिला, यानी उनको जो उस लेवल पे खेलने के लिए सुविधाएं चाहिए थी, जो एक्सपोजर चाहिए था, जो एक्सपर्ट्स चाहिए थे, वो मुहैया कराए गए। तो ये कहना कि सभी लोगों को ये सुविधाएं दी जा सकती हैं वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बट जिनमें प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा से आगे आएंगे, और उनके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स की भी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, और खेलो इंडिया जो गेम्स होते हैं उनमें भी जब ये लोग जाते हैं तो उनको अलग अलग जो टैलेंट स्पॉटिंग टीम्स होती हैं उन पर ध्यान देते हैं और उनको
जो मेन सपोर्ट सिस्टम है उसमें लाने की कोशिश होती है। और अगर किसी में असाधारण प्रतिभा है और वो किसी फोरम पे दिखाई देती है तो उसको भी अलग से टेस्ट करा जाके बुलाया जा सकता है। बट देखा यह गया है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम हमारे अंदर असाधारण प्रतिभा है, जब उनका फील्ड टेस्ट किया गया तो उससे काफ़ी पीछे थे। यानी हम खाली सुविधा के लेने के लिए इस बात पर प्रयत्न ना करें, प्रदर्शन के बेसिस पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली उम्मीद है कि जो समाज में परिवर्तन आ रहा है उससे खेलों के प्रदर्शन में डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, प्रतिभा छिपी नहीं रहेगी, किसी न किसी तरीके से निकल के बाहर आएगी और उसको सरकार का भी तब सहारा मिलेगा, मदद की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। चलते चलते टोक्यो पैरालंपिक में इस बार जो भी पार्टिसिपेंट जा रहे हैं, जो खिलाड़ी जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो खुले दिमाग से जो अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं वो करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तैयारी उन्होंने की है और उसी तैयारी के प्रदर्शन बेसिस पे जो प्रदर्शन करेंगे उससे वो बाकी खिलाड़ियों से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल होंगे और भारत का गौरव बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।